जूनियर पुरुष एवं महिला नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले गोरखपुर के विजयी खिलाड़ियों का महापौर सीताराम जायसवाल ने धर्मशाला स्थित कैंप कार्यालय पर माल्यार्पण कर सम्मानित किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि सीनियर पुरुष व महिला नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 जो कि 17 फरवरी से 21 फरवरी कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, उस चैंपियनशिप में गोरखपुर के खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया, जिसमें विकास चौहान ने 93 kg भार वर्ग में तथा स्कैट में 335 kg भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया तथा पावर लिफ्टिंग में 815 kg भार उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया तथा इंडिविजुअल पदक भी विकास को हासिल हुआ। उन्होंने रेलवे के खिलाड़ी को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं राहुल कुमार ने 105 kg भार वर्ग में 305 kg का डेड लिफ्ट का भार उठाकर इंडिविजुअल सिल्वर मेडल प्राप्त किया तथा अनुप दुबे, रविन्द्र चौहान, अभिषेक दुबे, विनय यादव, अमन सिंह ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में भाग लिया। उन्होंने भाग लेने वाले प्रतिभागियों तथा विजयी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सीनियर पुरुष और महिला नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 जो 17-18 से 21 फरवरी कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ। स्थान सुगना एडूरियम। इस चैंपियनशिप में गोरखपुर के खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया, जिसमें निम्न स्थान प्राप्त किया। विकास चौहान 93 kg भार वर्ग में और 335 kg का उठाकर तृतीय, स्केट 335 kg उठाकर तीसरे स्थान प्राप्त किया है। पावर लिफ्टर में टोटल 815 kg उठाकर तीसरे स्थान पर प्राप्त किया। इसी क्रम में तीसरे में इंडियन पदक भी विकास के नाम रहा। उन्हें रेलवे की खिलाड़ियों पछाड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस पर बहुत इस राहुल कुमार 105 kg भार वर्ग को 305 kg, लिफ्ट का भार 331 kg, डिजिटल सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अनूप सिंह इनके कोच हैं, गुरु हैं, और अविनाश दुबे जी, नवीन चौहान, अभिषेक दुबे, विनय यादव, अमन सिंह राष्ट्रीय पावर लिफ्टर है। ये गोरखपुर के सभी हैं और हमारा गोरखपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने पावर लिफ्टर में स्थान बनाया है। इसके लिए मैं सभी लिफ्टरों को मैंने सम्मानित किया है और बधाई दी है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर को पहचान बनाएंगे, इससे गोरखपुर का सम्मान बढ़ेगा।